एक्सक्यूज मी आंटी, मेरी बाप की उम्र का होकर मुझे आंटी कह रहे, शर्म नहीं आती? मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने आपको आंटी का बाजी बाजी चले। सुने, क्या आप किसी ऐसे लड़के को जानती हैं इस इलाके में जो के डूब के मर गया? हाँ ना, मजहर। मजहर नाम था उसका? हाँ हाँ, जानती हूँ, डूब के कहाँ मरा है वो। रजिया होगी, मुझे रखा हुआ दरवाजे के पास ही डंडा। जाओ। अरे रहने दे, रजिया है, उसे तो मैं देख लूंगा। हाँ जाओ देखो। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आए, ये रहा आपका मुजरिम, इसी ने आपकी कंपनी को धोखा दिया, जल्दी आए। अच्छा, तो यहाँ सारे मिलकर जश्न मना रहे हैं। हाँ भाई, मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। आखिर इंश्योरेंस के 2 करोड़ रुपए जो सबने मिलके ऐंठ लिए हैं, है ना। इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले तो तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। तू भी ने आबिद और मजहर के साथ मिलकर ये फ्रॉड का प्लान बनाया था ना, सबसे पहले तुम जेल जाओगे। आज मेरी बेटी के लिए एक बड़ा दिन है। आज उसकी हाँ हो रही है। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तेरी भतीजी भी है। आज ही करना था ये सब। मैं आज तुझसे एक भाई समझकर मदद मांग रहा हूं। एक बेटी का बाप समझकर मुझे माफ कर दे। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम हमें वापस भी तो करनी होगी। उसका क्या करोगे? एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, मैंने फैसला कर लिया। बीना, जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ और फरेब से हो, उसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपका गुनहगार हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, जो पैसे हमारे पास बच गए हैं मैं आपको लौटा दूंगा। और जो पैसे हमसे खर्च हो चुके हैं, मैं वादा करता हूं कि हम सब मिलके आपको लौटाएंगे, और हम सब बहुत शर्मिंदा हैं और तहे दिल से माफी ख्वाहें।
मैं तुझे जबान देता हूं भाई, ऐसा ही होगा। ठीक है, ओके। चलो यार तुम लोग चल, छोड़ छोड़।